गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को कांग्रेस ने शहीद स्मारक कैप्टन मृदुल शर्मा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व सैनिक लीग के पूर्व अध्यक्ष बीसी लखवाल, वरिष्ठ नेता केसी भाटिया भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और घुसपैठ में मारे गए शहीद सैनिकों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस की माने तो गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को कभी भुला नहीं जा सकता है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत ही हमीरपुर में भी जिला कांग्रेस ने कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। नहीं, ये जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम है, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्तर तक ये कार्यक्रम आज के दिन मनाया जा रहा है। और वो शहीद जो वो लोग 20 हमारे शहीद हुए थे इंडो पाक कन्फ्लिक्ट में, उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम रखा है आज के दिन। पूर्व महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि सेना देश की रक्षा कर रही है और कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया गया है कि शहीद सैनिकों को याद किया जाए, इसलिए आज श्रद्धांजलि समारोह किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में जो कुछ हुआ है उसके बारे में केंद्र सरकार को पहले ही अलर्ट रहना चाहिए था और आगे के लिए भी सरकार को पूरी तरह से सतर्क रहकर चाइना को सबक सिखाने के लिए जल्द काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीद अंकुश ठाकुर के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करती हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी जो शहीद हुए हमारे जवान लद्दाख में, उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। और हम हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर और जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के तहत यही श्रद्धांजलि मृदुल पार्क में हम उन शहीदों को दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारी जो फौज है वो बहुत हमारी रक्षा कर रही है और हमारे लिए बॉर्डर में लड़ रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो सरकार है, सरकार को भी कुछ ना कुछ इस सेना के लिए अपनी तरफ से करना चाहिए, क्योंकि सेना के पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास होम मिनिस्ट्री में भी इंटेलिजेंस है और इस इंटेलिजेंस के तहत वो पता कर सकते हैं कि किसी भी बॉर्डर में कोई हरकत हो रही है तो वहाँ पर वो कोई ना कोई पहले एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत लेट लद्दाख में इस बात की कोई चर्चा हुई या कोई सलाह ली गई या सलाह दी गई, जिससे हमारे सैनिक जो हैं कोई 20, उनमें से एक कर्नल जो कमांडिंग ऑफिसर था वो भी शहीद हुआ। और हमारे जिले से अंकुर ठाकुर, जो कि बहुत छोटी उम्र का 21 वर्ष का अभी भर्ती हुआ था, वो भी इस झपड़ में जो चाइना के साथ हुई थी उसमें शहीद हुआ। कुछ सवाल लोगों के दिल में आ रहे हैं कि भारत सरकार के कुछ डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री और उनके मंत्री जो हैं, वो कह रहे हैं कि अभी पता नहीं कि वो इलाका चाइना का था या हमारा था। इसके बारे में थोड़ी सी स्पष्टीकरण करें ताकि जनता को भी पता लगे कि भाई असल में क्या वहाँ पे हुआ था। और बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि बिना हथियार के जो हमारे सैनिक वहाँ गए हैं, और हमें पता है कि चाइना हमें बार बार धोखा देता है। 1962 में भी उन्होंने हिंदू चीनी भाई भाई कहकर हमको फुसलाया था, तो हमें पहले से ही सतर्क होना चाहिए था कि चाइना हमें धोखा देता है और हमें पहले ही अपने को तैयारी में रखना चाहिए था। इससे थोड़ा सा लोगों को अफसोस हो रहा है और सरकार को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए और आगे ऐसी ना गलती हो उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। और मैं आज अंकुश ठाकुर, उसके परिवार और जो यहाँ शहीद हुए उनके परिवार के साथ भी मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ सहानुभूति करती हूँ। भगवान उनको शक्ति दे आगे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। और हमें बड़ा गर्व है अंकुश ठाकुर पर, उनको मैं सलाम करती हूँ, उनके परिवार को सलाम करती हूँ और भारतीय सेना को सलाम करती हूँ। जय हिंद। ये जो मेमोरियल है, वार मेमोरियल है हमीरपुर में,
पर कैप्टन मृदुल शर्मा जो 2004 में शहीद हुए थे उनकी यादगार में मनाया गया है। हमीरपुर जिला एक ऐसा ज़िला है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर फौजी हैं तो हमीरपुर ज़िले में, इसके लिए हमें हमीरपुर ज़िले वालों के लिए बड़े अभिमान की बात है। मृदुल शर्मा जो है जनवरी 2004 को शहीद हुए थे, उनको सेना मेडल गारंटी मिला हुआ है और मैं भी हमीरपुर ज़िले का ही हूँ जिसको एज ए सी ओ शौर्य चक्र मिला है। शौर्य चक्र सेना मेडल गारंटी से बड़ा होता है। हमीरपुर ज़िले के हमारे लोगों ने वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, उसमें हमारे हमीरपुर ज़िला वालों का बहुत सहयोग रहा है। हाल ही में आपने सुना है और आप लोग को पता लगा है कि हमारे अंकुश ठाकुर जो कुरोता गांव के हैं, उन्होंने भी देश की रक्षा करते हुए लद्दाख में अपनी बलिदान दे दी, जिसके लिए हमें बहुत फख्र है और हमें पूरी तैयारी है। हमीरपुर ज़िला जो है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे ज़िले ने काफ़ी सही तरह किए। मैं हर साल तकरीबन हमीरपुर ज़िले के, चाहे 1971 की लड़ाई के हों, उनको हर साल मैं शहीद परिवारों को सम्मानित करता रहता हूँ, जो मैंने 2017 में भी किया, 2010 में किया और इस साल भी करने की तैयारी है। लेकिन दिसंबर महीने में हम इसको मनाते हैं, तब हम इसको 16 दिसंबर को जो 1971 की लड़ाई में हमारे हमीरपुर ज़िले के 101 फैमिलियाँ जो हैं वो शहीद हुई हैं, जिनको मैं सम्मानित करता हूँ। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और उनके आदेश अनुसार आज जो हमारे गलगांव घाटी में जो चाइना बॉर्डर पे जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और हमने उन जो शहीद हुए उनको आज हम सब सब नमन करते हैं। और जो उनका जो देश के प्रति जो व्यवहार था, जो उन्होंने देश के प्रति जो अपना सेक्रीफाइस किया, उसको हम कभी भी भूलने नहीं देंगे। तो उनको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देश के वासियों की तरफ से उनको सब सब नमन करते हैं।